सुनील भाई, भाई के पास सफर नहीं हो रहा है, बैग आप करवाएं। मैंने बोला है सर को, मैंने कहा बैग दे दे, नहीं दे रहे। शाह भाई बैग दे दीजिए। मैं बैठू को भाई, मैंने ये शिमला मिर्च दी है, बड़े शौक से खाता है और ये सारा दिन बातें करता रहता है। मैं बैठू इधर बेगम मैक्रोनी का सामान बना रही हैं, टमाटर गाजरें और शिमला मिर्च काट ली है, और इस साइड पे ये बैंगन तो नहीं शामिल करने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ, आप सभी दोस्तों को वेलकम खुश आमदीद, और जी आयनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज है, और अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ घर में, अपने घर के सेहन में, अभी टाइम है 4:15 का, लगभग 2.25 घंटे रहते हैं इफ्तारी में से। तो आज मौसम जो है आप देखिए, चेक कीजिए, बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश के इम्कानात बहुत कलील हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते। इस साइड पे ये देखें मेरे अनार, एक अनार और 100 बीमार फूल लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये जो कीनू है, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है, ये देखें, नज़र नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी ख़ास है, मैं शाह भाई के हवाले से भी डिस्कस करूँगा, चूँकि मैं पहले ये एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये सारी डिटेल बता रहा हूँ कि जब वो पाकिस्तान में थे तो उनके साथ क्या क्या बातचीत होती रही, अंदर की बातें क्या क्या चलता रहा, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलें भी वीडियो शुरू करते हैं। क्या तोड़ दिए ये? सांजना तोड़ दिए जी, एक लात तो मार दी मैंने, थ्रेशर के पास जा गिरा। लातों के भूत बातों से नहीं मनते हैं। गायब हो गया, देख लो ऊपर भाई, लगेगी कहीं लात, वैसे नुकसान आप लोग। बारिश आएगी या नहीं आएगी? आएगी, अल्लाह ना करे ना आए। तो बच्चे कह रहे हैं कि बारिश ना आए, और लेकिन एक फायदा है, सही है, वीडियो सही बन रही है। एक फ़ायदा ये है कि रोज़ा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सुकून से गुजरता है, ठंडा मौसम है। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ये प्याज का क्यारा है, प्याज की क्यारी है, तो एक बिल्ली यहाँ से निकल के जा रही है। बादल फिर आ गए दोस्तों, और कभी इम्कान है कि बारिश होगी। दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ, आप ये क्लिप देखिए, ये वो क्लिप है जब शाह भाई पाकिस्तान दाखिल हुए, और उस वक्त के मतलब ये पहला क्लिप था जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये क्लिप देखिए और इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सलाम करें तनवीर भाई, भाई के पास सफर नहीं हो रहा है, बैग आप करवाएं। मैंने बोला है सर को, मैंने कहा बैग दे दे, नहीं दे रहे। शाह भाई बैग दे दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने क्लिप देख लिया, अब शाह भाई के हवाले से डिस्कस करते हैं। मैंने ये बता दिया था पिछली वीडियो में कि शाह भाई रात को रुके वहाँ पे, और रात को मटन कोरमा हम लोगों ने मंगवाया, दाल और बाकी कुछ चीज़ें थी वो उनके खाने में, और वो खाया। उसके बाद हम लोग पूरी रात 2-2 घंटे जागते रहे बारी बारी, वो भी बता दिया था। अच्छा ये मैं बताना भूल गया था कि उस रात जब पहुँचे शाह भाई, तो हम सब लोगों ने मिल के उनके साथ कुछ बातें की, इंटरव्यूज़ भी लिए, उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत की, सारा हाल अहवाल बांटा एक दूसरे के साथ, दुआओं की दरख्वास्त की। तो फिर जब सुबह हुई, तो सुबह सवेरे ही जिस गेस्ट हाउस में या जिस घर में शाह भाई रुके हुए थे, वहाँ पे घर के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, न्यूज़ रिपोर्टर्स और बहुत सारे चैनल्स वाले आए हुए थे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पाकिस्तान के जो न्यूज़ के चैनल्स हैं वो भी आए हुए थे, और कुछ ख़वातीन भी आई हुई थी जो मुलाकात करना चाह रही थी शाह भाई से। तो उस वक्त सिक्योरिटी ने, क्योंकि ये बोला हुआ था कि किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो कुछ लोग थे जो अंदर आए मुलाकात की, जो सिक्योरिटी अहलकार वगैरह थे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं दी गई। हम लोगों ने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया सुबह सवेरे, और नाश्ते के लिए शाह भाई से पूछा गया, उन्होंने इशारों से बोला कि
वो जो हड्डी होती है ना उसके साथ ऐसे ऐसे करते हैं तो अंदर से जो गूदा निकलता है वो जो लाहौर का मैंने सुना है मशहूर नाश्ता है, तो वो उस हवाले से बात की। दोस्तों मैं और अरशद भाई हम दोनों ने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया कि नाश्ता हम लोग लेके आएंगे, तो हमने ये सोचा कि शाह भाई के लिए सबसे बेस्ट नाश्ता जो होगा ना वो लेके आएंगे। पहले हम लोग गए एक जगह 4-5 किलोमीटर, वहाँ से हम लोग ने वो जो पाया है ना नली वो पता किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अच्छा पाए अच्छे छोटे छोटे के पाए मिलते हैं, वो नली छोटी होती है उसमें गूदा कम निकलेगा। तो फिर हम लोग तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे चले गए, वहाँ से जो एक बड़ी दुकान थी वहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें जो भी था वहाँ से परचेज़ की। जो नली पाया नली है वो भी, और नान रोटी जो दिल वाली थी वो मैंने स्पेशली बनवाई थी। मैंने कहा कि हमारे इंडिया से मेहमान आए हैं, और वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी उसी जगह पे जहाँ पे पाए मिल रहे थे, तो होटल भी साथ था, रोटी वगैरह बन रही थी, तो हम लोगों ने मैंने दिल वाली रोटी भी बनवाई थी, और हर चीज़ मतलब हमने कहा कि शाह भाई को क्योंकि ये यादगार लम्हात होंगे हमेशा याद रहेंगे, तो अपने मेहमान को अच्छे से अच्छा जो है नाश्ता पेश किया जाए। फिर इसी तरीके से लस्सी और हलवा पूरी पराठे और जो चने होते हैं 2-3 किस्मों के, इसी तरीके से फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली। तो मैंने चूँकि रोशन भाई शाह भाई के पास थे हमने जब हम लोग निकले थे नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने रोशन भाई को फ़ोन किया कि रोशन भाई चूँकि आज 3 बजे हम लोगों ने निकलना है वॉक के लिए, 3 बजे निकलना है, तो अभी नाश्ता भी करेंगे इसके बाद हमारा आना फिर नामुमकिन होगा, तो अभी जो जो चीज़ें जो गिफ्ट वगैरह है ना वो ले लेते हैं शाह भाई के लिए। तो शाह भाई मैंने रोशन भाई को बोला कि शाह भाई से पूछें कि कुछ गिफ्ट्स हैं हम लोग लेना चाहते हैं, मैं और अरशद मैंने उनको बोला। तो एक तो ये था जैकेट्स थी पाकिस्तानी जैकेट और शलवार जो कुर्ता होता है पाकिस्तानी वो उसका बोला, और एक कप्तान चप्पल जो कि बहुत मशहूर है पाकिस्तान में वो, और इसके अलावा कुछ चीज़ें थी। तो शाह भाई ने रोशन भाई ने बोला कि मैं शाह भाई से पूछ के बताता हूँ, तो शाह भाई उधर ही थे, तो रोशन भाई उधर ही थे शाह भाई के पास, तो उन्होंने कहा कि शाह भाई कह रहे हैं कि मेरे पास वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो गिफ्ट कोई नहीं लेना, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना, हाँ अगर एक कोई छोटा बैज मिलता है ना छोटा जो यहाँ पे लगाया जाता है यादगार के तौर पे वो ले लीजिएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मतलब मेहनत की, ढूंढते रहे, हमें वो बैज नहीं मिला जो यहाँ पे लगाया जाता है पाकिस्तानी परचम में या कोई छोटा सा बैज जो होता है, तो वो नहीं मिला। नाश्ता हम लोग लेके आए, हमें बड़ा एहसास हो रहा था कि हम लोगों ने वो हमें बैज नहीं मिला। बाकी शाह भाई मना कर रहे हैं कि कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सामान उसके उनके पास जो सामान है उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो एक छोटे से बैज का वो बोला था तो वो नहीं मिल सका। फिर हम लोग आ गए नाश्ता लेके, शाह भाई को नाश्ता भी पेश किया और मिल बैठ के नाश्ता भी किया, सब लोगों ने एक दूसरे से बातें भी की, शाह भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, अच्छा लगा एक दूसरे के साथ। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने शाह भाई को बोला कि शाह भाई आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो जो मुस्लिम मलबार जमात है पाकिस्तान में, मैं चूँकि वहाँ कराची जा चुका था वहाँ से आया था, अब मेरा बच्चा वहाँ पे ज़ेर इलाज था, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उनका नंबर मेरे पास था, तो मैंने कहा कि शाह भाई आप वो मुस्लिम मलबार जमात के सरबराह हैं एक अब्दुल रशीद साहब, आप उनसे बात कर लीजिए। तो मेरे पास जो छोटा मोबाइल था मैंने वो शाह भाई को नंबर मिला के दिया, शाह भाई ने उनसे बातचीत की। तो इसके बाद शाह भाई ने मुझे ये बोला कि आप कराची जाइएगा तो वहाँ जो मुस्लिम मलबार जमात है उनकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है और मुझे वो भेजनी है आपने। मैंने कहा कि ठीक है शाह भाई, मैं इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा, तो पूरा जो उनका मुस्लिम मलबार जमात है वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बना के मैं आपको भेजूँगा। तो बस इस तरीके से बातें होती रहीं, फिर मिलना मिलाना हुआ, कुछ जो सिक्योरिटी अहलकार थे जो कुछ शख्सियात थी उनका आना जाना, वो उन्होंने मुलाकातें की, और इसके बाद फिर 3 बजे हम लोगों ने वहाँ से निकलना था, तो 3 बजे सब वो हो गया, सब कुछ रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग अपने रूम से निकले, जो गेस्ट हाउस था वहाँ से निकले,
और फिर हम लोग चलते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। तो उस दौरान फिर क्या हुआ इसके बाद मैं आप लोगों के साथ तफसील से बातचीत करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करूंगा इंशाल्लाह, हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।